हेलो फ्रेंड्स, मैं मनोज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न मोर कंप्यूटर पर। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं वी लुकअप से भी बेहतरीन फंक्शंस के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताऊंगा क्यों ये वी लुकअप से बेहतरीन है, या ये कहिए कि ये फंक्शन वी लुकअप का भी बॉस है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल वी लुकअप को यूज करना मैंने आपको प्रीवियस वीडियोज में भी बताया था, उसके लिए आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख सकते हैं और एक बार फिर मैं प्रैक्टिकली इसमें यूज करके आपको बताता हूं। देखिए फ्रेंड्स, मेरे पास एक डेटा है जिसमें मेरे पास प्रोडक्ट की लिस्ट है, जो मेरे प्रोडक्ट्स हैं प्रोडक्ट 1, 2, 3, 4, 5, आप अपने प्रोडक्ट के नेम भी यहां पर मेंशन कर सकते हैं। इसका मेरा मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है और डीलर प्राइस है, रिटेलर प्राइस है और होलसेलर प्राइस है। फ्रेंड्स, मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं अगर यहां कोई प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं तो यहां पर अगर मैं मेंशन करता हूं रिटेलर प्राइस, तो उस प्रोडक्ट का रिटेलर प्राइस मेरे पास यहां निकलकर आ जाना चाहिए। अगर मैं यहां डिसाइड करता हूं कि भाई मुझे रिक्वायर्ड है डीलर प्राइस की बजाय, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस की बजाय डीलर प्राइस की, तो यहां पर डीलर प्राइस मेंशन होके आ जाए, रिटेलर प्राइस तो रिटेलर प्राइस आ जाए। मींस मैं सिर्फ यहां से प्राइसिंग रिक्वायर्ड करूंगा कि मुझे किसकी प्राइसिंग है, तो वो प्राइस यहां पर मेंशन हो जाना चाहिए। तो उसके लिए हम किस तरीके से फंक्शंस का यूज करते हैं, फॉर्मूले का यूज करते हैं, आइए देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल फंक्शंस क्या है वी लुकअप। वी लुकअप बेसिकली क्या करता है, हम फाइंड आउट कैसे कर रहे हैं, किसके बिहाफ पर सर्च कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बिहाफ पर, और प्रोडक्ट मेरी किस कॉलम में है, वो इस कॉलम में। फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज और जान लीजिए, ये पूरा एक जो टेबल है ये हमारे लिए टेबल एरे यानी कि टेबल का एक सोर्स है जिसमें से हमें डेटा फाइंड आउट करना है। बट जब हम प्रोडक्ट के बिहाफ पर सर्च कर रहे हैं तो वी लुकअप केवल फर्स्ट कॉलम से आगे की तरफ को देखता है, पीछे की तरफ को नहीं देखता है। आइए मैं आपको बताता हूं कैसे। जैसे अगर मैं चाहता हूं मैं यहां प्रोडक्ट इंसर्ट करूं तो उसका डीलर प्राइस या रिटेलर प्राइस या होलसेलर प्राइस आ जाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इक्वल्स टू वी लुक अप। अब लुकअप वैल्यू पूछता है, लुकअप वैल्यू नॉट वैल्यूज, केवल वैल्यू मींस किस वैल्यू के बिहाफ पर आप लुक करना चाहते हैं। हम प्रोडक्ट के बिहाफ पर लुक करना चाहते हैं तो प्रोडक्ट के कॉलम को सिलेक्ट करते हैं, मींस उस सेल को सिलेक्ट करते हैं, कॉमा। अब ये पूछता है टेबल एरे। वी लुकअप क्या करता है, अपने फर्स्ट कॉलम से आगे की तरफ के टेबल्स को अपने एरे में शामिल करता है। अगर मैं इस तरीके से टेबल को टेबल एरे में सिलेक्ट करता हूं तो वी लुकअप इसको रॉन्ग बताता है, क्योंकि जिस वैल्यू को हम लुकअप बोलते हैं उससे आगे की तरफ को वी लुकअप देखता है। मींस हमें क्या करना होगा, ये टेबल सिलेक्ट करनी होगी और F4 करके इसको स्प्लिट कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं। ओके, कैसे, कीबोर्ड से F4 की प्रेस करके, कॉमा। उसके बाद हम करते हैं कॉलम इंडेक्स नंबर, मींस मुझे किसका प्राइसिंग चाहिए। अब मैं इस कॉलम से आगे की तरफ को देख सकता हूं तो इट मींस मैं देख सकता हूं डीलर प्राइस या फिर रिटेलर प्राइस या फिर होलसेलर प्राइस। और देखिए डीलर प्राइस के लिए मुझे क्या कॉलम देना होगा, अगर मैंने टेबल एरे के लिए ये टेबल सिलेक्ट किया है तो मेरा टेबल का कॉलम नंबर 1 और कॉलम इंडेक्स नंबर 2, कॉलम इंडेक्स नंबर 3 एंड कॉलम इंडेक्स नंबर 4। अगर मुझे डीलर प्राइस की रिक्वायरमेंट है तो मैं क्या करूंगा, कॉलम इंडेक्स नंबर 1 और कॉमा, और मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, कोई अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए, तो 0 प्रेस करेंगे फॉल्स ट्रू के लिए, सॉरी फॉल्स के लिए, और ब्रैकेट को क्लोज, एंटर की प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे यहां पर ये प्रोडक्ट दिखा रहा है। मैंने क्या पूछा था इसको कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्राइस आए, लेकिन ये क्या दिखा रहा है मुझे, प्रोडक्ट, क्योंकि वी लुकअप अपने आगे की तरफ को, इन फ्रंट की तरफ को देखता है। तो यहां मुझे क्या करना होगा, मुझे डीलर प्राइस लिखना होगा, मींस यहां से अगर मैं सिलेक्ट करता हूं डीलर प्राइस को और कर्जा रखता हूं, इसके बिहाफ पर अगर मैं सर्च करना चाहता हूं कॉलम इंडेक्स नंबर 1 की बजाय मुझे क्या करना होगा, 2 यहां पर। ओके, तो ये क्या करता है, प्रोडक्ट नंबर 6 यानी कि दिस वन, एंड इसका प्राइस क्या है, डीलर प्राइस ये है 6875 यानी कि 6875, वही आ रहा है। अगर मैं यहां से प्रोडक्ट रिप्लेस करके प्रोडक्ट 1 करता हूं तो ये दिखाता है 2500, वो किस तरीके से, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट 1 को सर्च किया। अगर मैं इसकी बजाय डीलर की बजाय रिटेलर का प्राइस यहां से सर्च करता हूं तो भी ये इसको नहीं देगा, क्योंकि ये कॉलम इंडेक्स नंबर 2 को ही सर्च कर रहा है, थर्ड को सर्च नहीं कर रहा है। इसके लिए मुझे क्या करना होगा फ्रेंड्स, यहां पर थर्ड प्रेस करना होगा, कॉलम इंडेक्स नंबर मैनुअली इंसर्ट करना होगा, एंटर की प्रेस करेंगे तो मैनुअल यहां पर ये इसका थर्ड पोर्शन दिखाता है। अगर होलसेलर का देखना होता तो होलसेलर जैसे मैं यहां से सिलेक्ट करता तो होलसेलर का प्राइस भी यहां पर नहीं आ रहा है, क्यों, क्योंकि यहां पर फिर मुझे मैनुअली कॉलम इंडेक्स नंबर देना पड़ेगा थर्ड की बजाय फोर्थ इंडेक्स। ओके, अब
फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये मैनुअल इंसर्ट करने की बजाय मुझे वन बाय वन इसका ऑटोमेटिकली कैसे इंसर्ट करके दे। तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, इसी फॉर्मूले में यहां पर जो मुझे नंबरिंग चाहिए उसके लिए मुझे एक मैच मैच फंक्शन जो प्रीवियस वीडियोस में मैंने बताया था उसकी यहां पर सीट को रिजर्व करना होगा, जो वी लुकअप का आप कह सकते हैं जूनियर फंक्शंस है। ओके, तो यहां पर मैच और ब्रैकेट स्टार्ट एंड क्लोज। मैच में क्या करते हैं फ्रेंड्स, देखिए मैच इसका कॉलम इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिकली आपको देगा। कैसे, ये पूछता है सबसे पहले कि आप लुकअप वैल्यू किस वैल्यू को सर्च आउट करना चाहते हैं, किस वैल्यू के भी आप पर कॉलम इंडेक्स नंबर चाहते हैं। मींस ये लुकअप वैल्यू जो मैं यहां इंसर्ट करूं उसका कॉलम इंडेक्स नंबर दे दे कॉमा। फिर वो पूछता है लुकअप एरे कहां से इसे सर्च करना चाहते हैं, ये पूरी टेबल में नहीं सर्च करेगा। कैसे सर्च करेगा, इस तरीके से टेबल हेडर को, ओके टेबल हेडर को सिलेक्ट करना है, फिर F4 से इसको फिक्स करना है कॉमा। फिर आपको क्या करना है, लेस देन एग्जैक्ट मैच या ग्रेटर देन, मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए तो जीरो प्रेस करना है और एंटर की। ओके फ्रेंड्स, अब देखा आपने होलसेलर प्राइस को इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया 4375। अगर मैं यहां पर इसके लिए डीलर प्राइस इंसर्ट करता हूं, इसको आप राइट लाइन कर लीजिए आपको दिखेगा, डीलर का प्राइस इंसर्ट करता हूं तो देखिए डीलर का प्रोडक्ट वन का प्राइस क्या है 2500। इन केस में डीलर की बजाय अगर यहां पर रिटेलर का प्राइस सिलेक्ट करता हूं तो रिटेलर का प्राइस यहां पर दिखा देता, प्रोडक्ट चेंज करता हूं तो ऑटोमेटिकली उस प्रोडक्ट के भी यहां पर देखिए प्रोडक्ट सिक्स का या प्रोडक्ट फिफ्थ का अगर मैं चेक करता हूं, फोर्थ का चेक करता हूं, फोर्थ का मुझे किसका चाहिए, रिटेलर प्राइस। रिटेलर प्राइस क्या है फ्रेंड्स, ये रहा फोर्थ नंबर का 6250 रुपीज। तो अब वी लुकअप ने इसको लेफ्ट टू राइट तो सर्च करके दे दिया, लेकिन जैसे ही मैं प्रीवियस की बात करता हूं, मींस अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग प्राइस की बात करता हूं तो यहां पर नॉट एप्लीकेबल कर देता है। वी लुकअप कहता है ये मेरी क्राइटेरिया रेंज से बाहर है, मींस मैं लेफ्ट टू राइट सर्च करूंगा, जिस पोजीशन को मैं लुकअप वैल्यू देता हूं उससे बैक को नहीं जाऊंगा, मींस कि रिवर्स को नहीं जाऊंगा। अब इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के लिए हमें एक फंक्शन यूज करना होगा जिसको बोलते हैं इंडेक्स। यहां लुकअप की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम किस फंक्शन का यूज करेंगे, यहां पर इंडेक्स फंक्शन का। तो आइए देखते हैं इंडेक्स फंक्शंस करता क्या है बेसिकली। देखिए फ्रेंड्स, मैं यहां पर इंडेक्स फंक्शंस यूज करता हूं, इक्वल्स टू प्रेस करना है इंडेक्स। ओके, तो ये पूछता है फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे एरे कि आपको कहां से इसे सर्च करना है, हमें सर्च क्या करना है ये। ओके फ्रेंड्स, हमें क्या करना है, ये इसका टेबल एरे है, अब कॉमा लगाना है, उसके बाद पूछता है रॉ नंबर, किस रॉ नंबर के बिहाफ पर आप सर्च करना चाहते हैं, किस रॉ नंबर के बिहाफ पर आप सर्च करना चाहते हैं। रॉ नंबर क्या है, देखिए फॉर्मूला इस तरीके से लगाने से पहले आप इस सेल का अलाइन चेंज कर लीजिए, अदरवाइज आपका लेफ्ट हैंड का जो सेल है वो हाइड हो जाएगा। तो इसका अलाइन मैं लेफ्ट अलाइन ले लेता हूं, इक्वल्स टू इंडेक्स। ओके, अब हम एरे को सिलेक्ट करते हैं, टेबल एरे हमारे पास है, F4 करके इसे फिक्स कर लेते हैं कॉमा। फिर क्या पूछता है दोस्तों, रॉ नंबर, मींस रॉ नंबर, कौन से रॉ नंबर को हम इंसर्ट करना चाह रहे हैं, यहां पर रॉ नंबर हमारा क्या है, ये जिस रॉ को हम यहां पर इंसर्ट करें, मींस प्रोडक्ट 1 2 3 4 5, इट मींस ये हमारा क्या है, रॉ इंडेक्स नंबर कॉमा। उसके बाद मैं क्या कहता हूं, कॉलम इंडेक्स नंबर। अब मुझे प्राइसिंग किसकी चाहिए, डीलर प्राइस, रिटेलर प्राइस या फिर होलसेलर, क्या चाहिए, डीलर प्राइस, रिटेलर प्राइस या फिर होलसेलर। ओके फ्रेंड्स, मुझे क्या चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस इस इंडेक्स में कहां पर है, वन पे, वन नंबर ऑफ कॉलम। ब्रैकेट को क्लोज करते हैं, एंटर की, यहां पर वैल्यू एरर देता है, क्यों, क्योंकि मैंने रॉ नंबर की बजाय क्या किया था, इस रॉ नंबर को इंसर्ट करा था, इस रॉ नंबर को नहीं। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, यहां पर आपको रॉ नंबर मैन्युअली इंसर्ट करना होगा, जैसे मुझे प्रोडक्ट वन का चाहिए तो मुझे यहां पर वन इंसर्ट करना होगा। एंटर की प्रेस करेंगे, आप देखेंगे फर्स्ट में क्या आ रहा है फ्रेंड्स, आपका रॉ नंबर मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि फर्स्ट इंडेक्स क्या है आपका, रॉ नंबर मैन्युफैक्चरिंग। अगर आप यहां पर मैन्युफैक्चरिंग फर्स्ट का प्रोडक्ट फोर्थ का चाहते हैं तो प्रोडक्ट फोर्थ कौन से नंबर पे है, फिफ्थ नंबर के रॉ पर, आपको यहां पर फिफ्थ नंबर इंसर्ट करना होगा। तो आप देखेंगे प्रोडक्ट फोर्थ का जो मैन्युफैक्चरिंग प्राइस है वो यहां पर इंसर्ट हो चुका है। बट फ्रेंड, आप इसको मैन्युअली कैसे इंसर्ट करते रहेंगे, एज इट इज आप राइट को भी जा सकते हैं इसी फॉर्मूले में, जैसे हमने क्या किया, रॉ नंबर 5, रॉ नंबर 5 यहां पर रखना, कॉलम इंडेक्स नंबर, अगर मुझे यहां पर डीलर प्राइस चाहिए होता तो फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, थर्ड कॉलम इंडेक्स नंबर देता, तो यहां पर क्या आता, प्रोडक्ट फोर्थ का मैन्युफैक्चरिंग प्राइस की बजाय मुझे यहां इंसर्ट करना होता। देखिए प्रोडक्ट फोर्थ का मैन्युफैक्चरिंग कॉलम नंबर फिफ्थ, ये आ रहा है डीलर प्राइस के बिहाफ पर, अब मींस मुझे यहां पर भी चेंज करना होगा। इस फंक्शन से हम किस तरीके से बच सकते हैं और किस तरीके से इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये नंबर हमें ऑटोमेट करने होंगे, ठीक है फ्रेंड्स।
तो वो कैसे करेंगे, इसके लिए हम मैन्युअली यहां से जानते हैं। देखिए रॉ नंबर और कॉलम इंडेक्स नंबर, इस फंक्शंस में हमें ये जो है हमारे रॉ इंडेक्स नंबर और कॉलम इंडेक्स नंबर किस तरीके से ऑटोमेटिकली हम फाइंड करेंगे मैनुअल की बजाय। तो देखिए फ्रेंड्स हमने क्या करना है, यहां पर मैच फंक्शन के जरिए हम रॉ नंबर सर्च करेंगे इक्वल मैच और लुकअप वैल्यू क्या, इन केस अगर हम प्रोडक्ट यहां पर जो भी मेंशन करते हैं प्रोडक्ट फोर्थ करते हैं तो उसका रॉ नंबर कौन सा है वो आपको यहां पर दिखाए कॉमा। अब ये क्या पूछता है, लुकअप एरे, वो कहां से पूछेंगे हम, इस सेल में से, इस पूरे टेबल एरे में से। ओके लुकअप एरे F4 करके प्रेस कर लेते हैं कॉमा। अब मैच वैल्यू एग्जैक्ट जीरो चाहिए एंटर। अब देखेंगे प्रोडक्ट फोर्थ फिफ्थ नंबर के रॉ पर है, अगर मैं प्रोडक्ट वन सेलेक्ट करता हूं तो ये आपको बताता है सेकंड नंबर के रॉ पर है। एज इट इज हम कॉलम इंडेक्स नंबर भी यहां से सर्च कर लेते हैं कि ये डीलर प्राइस कौन से कॉलम पर है, या फिर कहें कि यहां पर मैन्युफैक्चरिंग प्राइस कौन से कॉलम नंबर इंडेक्स पे है। उसके लिए हमें क्या करना है, सेम मैच फंक्शन यूज करना है, लुकअप वैल्यू कॉलम इंडेक्स नंबर हमें टेबल हेडर से फाइंड आउट करना है। ओके F4 फिक्स कॉमा लुकअप, सॉरी लुकअप वैल्यू देनी थी सबसे पहले हमें यहां पर, तो लुकअप वैल्यू क्या है, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस वाला सेल जो भी मैं यहां पर डालू, चाहे मैन्युफैक्चरिंग चाहे प्रोडक्ट चाहे डीलर प्राइस कॉमा। अब हम लुकअप एरे, लुकअप एरे हमें कहां से सर्च करना होगा, इस टेबल हेडर से F4 फिक्स कॉमा, फिर उसके बाद एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो एंटर। अब आप देखेंगे आपका मैन्युफैक्चरिंग प्राइस जो कॉलम नंबर इंडेक्स है वो है वन और यहां ऑटोमेट है। इन केस अगर मैं यहां से सिलेक्ट करता हूं रिटेलर प्राइस तो कॉलम इंडेक्स नंबर ऑटोमेटिक आ गया। मींस मैं मैच फंक्शंस को अगर इस फॉर्मूले में पुट कर दूं, अब यहां पर हमें क्या करना है, इस फॉर्मूले में एक मैच की सीट यहां पर रिजर्व करनी है और सेकेंड मैच की सीट कॉलम इंडेक्स नंबर पर रिजर्व कर दीजिए। ओके ये हमने दो सीट्स रिजर्व कर दी। अब फर्स्ट जो मैच है उसमें आइए, हमें क्या रॉ इंडेक्स नंबर चाहिए, जो चाहिए हमें यहां से, लुकअप वैल्यू कहां से सर्च करें, यहां से कॉमा। इसका टेबल एरे कहां से मिलेगा हमें, वो ये रहा टेबल एरे, F4 करके इसको फिक्स कर लीजिए कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो। ओके अब सेकंड मैच पर पहुंचते हैं, यहां हमें लुकअप वैल्यू क्या चाहिए, ये वाला सेल कॉमा, जो क्या है हमारा ये डिसाइड करेगा कि रिटेलर है डीलर है या फिर मैन्युफैक्चरर है या होलसेलर कॉमा। इसके लिए टेबल एरे हमें कहां मिलेगा, टेबल हेडर में, F4 करके इसे भी फिक्स कर लेते हैं कॉमा, एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो। अब एंटर की प्रेस कीजिए फ्रेंड्स, इसकी अलाइनमेंट अब आप राइट कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स जादू क्या है, आप यहां से आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कीजिए, सिक्स नंबर का प्रोडक्ट और रिटेलर का, देखिए यहां रिटेलर प्राइस है, सिक्स नंबर का प्रोडक्ट कहां है, ये रहा, और रिटेलर का प्राइस इसका क्या है, देखिए 8594। लेकिन अगर मैं बात करता हूं इसकी मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या है, अब देखिए प्रोडक्ट सिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइस क्या है, प्रोडक्ट सिक्स मैन्युफैक्चरिंग प्राइस 5500। मींस इंडेक्स फंक्शंस वी लुकअप के विपरीत काम करता है, कैसे, ये लेफ्ट टू राइट भी जाता है और राइट टू लेफ्ट भी जाता है, मींस इसको आप यूज कर सकते हैं एज अ रिवर्स लुकअप। तो देखिए बहुत अच्छा फंक्शन है और एक्सेल में बहुत यूज होने वाला फंक्शन है। उम्मीद है आपको आज की हमारी क्लासेस पसंद आई होंगी और इसी तरीके की और मैजिकल वीडियोस आपके बीच में लाते रहें, उसके लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज़।